हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्शन को फाइंड करेंगे किन इन द कैंटिलीवर बीम। ये हमारी कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में। इसमें क्या करना है, हमें रिएक्शन को क्या करना है, फाइंड करना है। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने कई सारे ऐसे दोस्तों टॉपिक रिएक्शन के ऊपर बनाए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है कि पहले हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को देखते हैं, जिसमें हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम लाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा सिग्मा वर्टिकल फोर्स होगा यानी वाई होगा, क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब देखो अगर ये हमारा ये वाई जीरो है तो देखते क्या है, हम रिएक्शन को फाइंड करते हैं। तो यहां पर हमारा कोई रिएक्शन होगा आरे, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए है, ये हमारा पॉइंट क्या है, बी है। ओके, तो यहां पे हम रिएक्शन को फाइंड करते हैं, दिस इज आरे, आरे हो गया। अब अगर ये हमारा क्या है, यूवीएल है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड है हमारा, ठीक है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड है, जिसे हम यूवीएल कहते हैं। लोड के ऊपर ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, अब बताया भी है वहां पर कि इस तरह की जो हमारा क्वेश्चन आता है तो उसमें रिएक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें रिएक्शन को अगर हमें लोड में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, जैसे हम ट्रायंगल, एक तरीके का हमारा ट्रायंगल है, जैसे हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट के, तो वैसे हमारा ये भी लोड में कन्वर्ट होता है, यानी 1/2 ये क्या है, 3 है इस ट्रायंगल के लिए बेस, तो मैंने मान लिया 3 है। और ये जो एल है वो क्या होगा, ये 40 है, ठीक है, यानी 40 किलो न्यूटन प्रति मीटर, ये 40 हो गया। अब यहां पे जो हमने रिएक्शन फाइंड किया तो ये क्या अपोजिट है, ये इस तरीके से लग रहा है, ये इसके क्या लोड लग रहा है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया ट्रायंगल के लिए, और ये क्या है, -20 होगा, -20 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आरे, अब ये कितना हो जाएगा, 60 -20 यानी 80, यानी आरे इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 80 किलो न्यूटन। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने रिएक्शन आरए को किस तरीके से फाइंड किया। ओके, अगर इस तरीके से हमारी कोई बीम गिवन है जो यूवीएल है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लोड को कन्वर्ट करते हैं एज ए ट्रायंगल के, ट्रायंगल को मान के। ठीक है, एक इसका और कॉन्सेप्ट है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या है, मोमेंट को भी फाइंड करना, इस पे मोमेंट लगेगा, तो टेकिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे हम क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं, टेकिंग मोमेंट, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ओके, जब हमने पॉइंट ए पे मोमेंट लिया तो क्या होगा, एम ए मैंने मान लिया इसको भाई, एम ए, क्योंकि हमारा क्या है, सिग्मा जो एम ए होगा इस पर, यहां पे 0 होगा। ठीक है, तो एम ए मोमेंट इस तरीके से, यहां पे एफबीडी हम ड्रा करते हैं थोड़ा सा इसका एफबीडी, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए, ये क्या है, ये क्या हमारी बीम एक तरीके से, ठीक है, ये वाली। अब यहां पर रिएक्शन हमने लिया था आर ए, ओके, अब आपको दिख रहा होगा आर ए, ये हमारा रिएक्शन था, और यहां पे हमें क्या करना है, इस तरीके से हमने मान लिया एम ए, जो हमें क्या है, मोमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो बीम है एक हमारी क्या है, यूवीएल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, यूवीएल है। अब यूवीएल की कंडीशन के लिए मैंने बताया लोड को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं एज ए ट्रायंगल मान के, बट अब यहां पे कितना था, 40 किलो न्यूटन था, किलो न्यूटन प्रति मीटर। अब ये जो आर ए हमारा जो रिएक्शन फाइंड हुआ है ना, आर ए 80 किलो न्यूटन हुआ है। ठीक है, अब अगर इसको हम लोड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो ये लोड होता है ना, जो ट्रायंगल पे हमारा लोड निकल के आया है, ये वाला लोड जो 60 है, ये वाला लोड, ये इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से मैंने मान लिया, ये अगर यहां पर इस कॉर्नर से हम देखते हैं तो ये जो लिया जाता है वो लिया जाता है 2/3 एल पे। ठीक है, अब इस कॉर्नर से अगर लेते हैं तो ये होता है एल अपान 3 पे। अब ये क्या मतलब है, देखो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा दोस्तों कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। ये अगर क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, अगर आप ये नहीं जानते तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कहने की गलती हो जाएगी। तो आपको ये चीज याद रखना है, देखो यहां पर डिस्टेंस कितनी थी, 3 थी, ठीक है, 3 मीटर थी ना, ये देखो 3 मीटर थी। ठीक है, यहां पे ऑलरेडी हमारा मोमेंट के लिए दिया हुआ कपल के लिए 50 किलो न्यूटन मीटर,
जो क्या है 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब नेक्स्ट वाला हमारा जो लोड लग रहा है वो 20 किलो न्यूटन है, वो भी कितना लग रहा है 1 मीटर की दूरी पर लग रहा है। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट हमारा यहां पे है, जो हमारा यूवीएल दिया है, अगर इस कॉर्नर पे लेते हैं तो 2/3 मैंने एल बताया, अब ये क्या है 3 है, अब एल की जगह हम क्या करेंगे 3 को पुट करेंगे तो कितना निकलेगा 2 मीटर निकलेगा ना, यानी यहां पे जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है 2 मीटर है, ये मतलब है इसका। अब यहां पे ऑलरेडी तो हमने 60 फाइंड कर लिया है, जो लोड के टर्म में हमने कन्वर्ट किया किलो न्यूटन, ये वाला 1/3 3 × 40 एज ए ट्रायंगल की तरीके। अब ये जो कॉर्नर से है ना यहां पे होता है L/3, कितना L/3, अब L/3 हो रहा है तो 3 × 3 कैंसिल हो जाएगा, L कितना बचेगा 1, यानी ये जो डिस्टेंस बचेगी 1 ही तो बचेगी, अब वैसे भी देखो 3 है 2 निकल गया 1 बचा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए होंगे आपको कॉन्सेप्ट। अब हम फाइंड करते हैं मोमेंट को, यहां पे जब हमने मोमेंट लिया यहां पे तो एम है, अब ये देखो ये जो पूरा इस पे लोड एक तरीके से हम काउंट करेंगे मोमेंट के लिए तो क्या हो जाएगा -1/2, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बट आपको एक बार थोड़ा सा याद दिलाता हूं। अब ये 1/2 कितना हो जाएगा 3 × 40, जैसे मैंने बताया 3, ये वाला 3 और ये 40 × 40। ठीक है, अब ये कितना है 60 पे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया 2/3 पे है ना, तो क्या हो जाएगा ये 2/3 × 3, यही बता रहा था ना 2/3 × 3, तो यानी इसको डायरेक्ट इंटू 2 लिख सकते हैं। चलो मैं आपको समझाने के लिए ये भी लिख देता हूं 2/3 × 3, क्योंकि ये लोड अब कहां काम करने लगा, यहां पे काम करने लगा है, और ये मैंने बताया यहां के लिए क्या होता है, ये जो हम सेंटर पे लोड लेते हैं इसके लिए कितना होता है 2/3 L पे, इस साइड से अगर इस साइड से लेते हैं तो L/3 पे वर्क करता है। ओके, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपने क्वेश्चन इजिली कर लिया, ये हो गया। अब देखो माइनस ये क्या 50 काम कर रहा है इसके अपोजिट, ये हमारा हो गया 50, अब ये भी तो एक काम कर रहा है अपोजिट पे, ये कितना हो जाएगा 20 और 3 1 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, यानी 20 × 5 इक्वल क्या है 0 है। अब आपको ये चीज बिल्कुल इजली समझ में आ गई होगी। ओके दोस्तों, तो यहां से अब हम क्या करेंगे एम ए इजली निकाल सकते हैं, आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 120 आ जाएगा फाइनली, और ये हमारा 50 गिवन है, क्योंकि देखो 20 20 कट जाएगा 3 3 कट जाएगा, यहां से 120 में फाइंड हो जाएगा। अब ये 50 है, अब ये कितना होगा 100 हो जाएगा, यानी +100। अब इसको टोटल काउंट करो, 120 है 172 यानी 270 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारा फाइंड हो गया, मोमेंट भी फाइंड हो गया, समझ में आया। तो इस तरीके से हम इस तरीके की प्रॉब्लम को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है समझ में आया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।